जेनेटिक वर्ड सुनते ही आप लोग को मेंडल का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। तो आज मेंडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थोड़ा सा थ्योरी, ठीक है। इसको आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो अगर एग्जाम में आ गया तो, जेनेटिक्स का। लिख लो हिंदी में पहले, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और जीवों में विभिन्नता, आनुवंशिकता और जीवों में विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट डील्स विथ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स के पितामा या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब इन्होंने किस प्लांट पे स्टडी किया है? मटर के पौधे पे इन्होंने अनुवंशिकता और वेरिएशन का अध्ययन किया, ठीक है। वेरिएशन मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे? वो तो चेंज हो गया, आप लोग हिंदी में विभिन्नता मतलब वो तो अनुवंशिकता हुआ, ठीक है, लेकिन विभिन्नता क्या है? हाँ, ये भी एक विभिन्नता। प्लस आप देखो, जल में रहने वाला जीव, ठीक है, और जीव मतलब कितने प्रकार के? जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, ठीक है, कोई उड़ने वाले, ठीक है, कोई अंडे देने वाले, कोई बच्चा पैदा करने वाले, ये सब जीवों में विभिन्नता और अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक लक्षणों, जीन का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना, स्थानांतर होना, ये क्या है? अनुवांशिकता। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे इन दोनों बात का अध्ययन किया, ठीक है। उसने गुलाबी फूल देखा, ठीक है, बैगनी फूल देखा, गोल वाला बीज देखा, ठीक है, झुर्रीदार बीज देखा, उसका मटर का आकार फूला हुआ था, ठीक है, कोई सिकड़ा हुआ था, उसके पौधे की लंबाई लंबी थी, कोई बौना था, ये सब अलग अलग देखा, लेकिन है सब क्या? मटर, मटर का पौधा ही था। तो ये क्या चीज़ है? तो उसने स्टडी करते करते ये जेनेटिक्स के बारे में बताया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अब बनता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जेनेटिक्स के लिए? मटर के पौधे में जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए कितने कैरेक्टर को चूज किया? पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे में अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए कितने कैरेक्टर को चूज किया, कितने कैरेक्टर का अध्ययन किया? सात, ठीक है, कौन है सात? सात लिख लो आप। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ इसको आगे पढ़ने से पहले,
ठीक है, ये दो वर्ड है, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका मतलब क्या है आप लोग थोड़ा हिंदी का मतलब संधि विच्छेद का, प्रभावी ठीक दिखता है, और कुछ अच्छे से कोशिश करो। जैसे एक मैं मैग्नेट लाऊंगा और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, तो मैग्नेट क्यों एकदम तुरंत आकर्षित हो जाएंगे कि मतलब मैग्नेट जैसा प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। और अप्रभावी मतलब लोहा है और एक सिंपल चुंबक है, ठीक है, तो उतना आकर्षित नहीं करेगा, कम आकर्षित करेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, यहाँ मटर के पौधे का मतलब क्या है, ठीक है, अगर लंबा हो बोना, ठीक है, ये दो पौधा लोगे तो प्रभावी कौन होगा, हाँ लंबा ही होगा, ठीक है, उसका छोटा क्या होगा, अप्रभावी, मतलब जब उसका हाइट बढ़ा तो एकदम जितना बढ़ सका प्रभावी होगा, तब तो हाइट बढ़ा, और अच्छे से कैरेक्टर या हार्मोन के कारण क्या हो गया, बौना हो गया, वो अप्रभावी। तो ठीक है, तो ये अभी मैं जो मेंडल के सात कैरेक्टर लिखाऊंगा उसको दो पार्ट में बनाएंगे, एक प्रभावी उसका अप्रभावी, ठीक है। तो एक चार्ट बनाओ, इसको नोट कर लिया, ठीक है, ऐसा एक चार्ट बना लो आप लोग। मेंडल ने बता दिया कि प्रभावी कैरेक्टर आप किसको लेंगे, ठीक है, इसको ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब मेंडल ने पूरा स्टडी कर लिया है, उसके हिसाब से उसने बता दिया कि आप इस कैरेक्टर को प्रभावी लेना मटर के पौधे में, ठीक है, तो हमको भी उसी को फॉलो करना है, ठीक है। हम आज बौना को प्रभावी नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि उसने रिसर्च करके पेपर तैयार कर लिया है, अब हम उसने जो बताया प्रभावी कैरेक्टर उसी को लेके आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला लिखना कैरेक्टर में सीड शेप, बीज की, बीज का आकार, ठीक है, सीड शेप बीज का आकार, ठीक है, बीज का आकार प्रभावी में लिखेंगे गोल, राउंड, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर लिखो सीड कलर, बीज का रंग, सीड कलर
सीड कलर, बीज का रंग, ठीक है, इधर लिखेंगे येलो और ग्रीन, पीला हरा, ठीक है, येलो और ग्रीन, पीला हरा, ठीक है। अगला कैरेक्टर लिखना फ्लावर का रंग, मतलब फूल का रंग, फ्लावर कलर। तीसरा है फूल का रंग, फ्लावर कलर, वायलेट और व्हाइट, बैगनी और सफेद। वायलेट और व्हाइट, बैगनी और सफेद। अगला कैरेक्टर लिखना फली का आकार, कोट शेप, फली, फल, फल, मटर का फली, फली का आकार, कोट शेप। इसमें डोमिनेंट पे आएगा फूला हुआ, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ। आप लोग मटर खरीदे हो कभी? तो कुछ मटर एकदम, कई लोग अच्छा फ्रेश रखते हो, ज्यादा रेट रहता है तो एकदम उसमें हर में दाना रहता है, और कई मटर ऐसा रहता है जो दाना नहीं रहता है, प्लस थोड़ा सा वो सेमी के जैसा दिखता है, वो भी मटर रहता है, वही सिकुड़ा वाला, ठीक है। अगला कैरेक्टर है, और ऊपर जाएगा, अगला कैरेक्टर लिखना फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति, एक्सियल, अक्षीय लिखना हिंदी वाले, अच्छी है ऐसा। ये अंत्य लिखना, ठीक है, और एकदम इंपॉर्टेंट, ये छह हो गए ना, पांच हुआ है, हाँ तो छठवा लिखना पॉड कलर, फली का रंग, ठीक है, फली का रंग, कैसे सेमी बोलता, मटर कैसा वाला देखे हो कलर का, ग्रीन का उल्टा लिख रहे हैं आपको येलो, इसके पहले और ग्रीन और येलो लिखे हो ना, लेकिन उधर येलो लिखे थे उधर ग्रीन लिखे, हरा और पीला, ठीक है। तने की लंबाई, स्टेम हाइट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, लंबा और भावना, ठीक है। ये सात कैरेक्टर एकदम आपको गट्टा मारना है, क्योंकि वो ऑप्शन भी बना के दे सकता है क्वेश्चन, या फिर कोई भी चार कैरेक्टर देगा, इसमें मेंडल ने कौन से कैरेक्टर को लिया है करके भी पूछ सकता है, कौन से को नहीं लिया है, ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। जैसे कल हम लोग टेबल याद किए थे, सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट, सेम टू सेम ऐसा भी, इसको उसको भी गट्टा मारना, इसको भी गट्टा मारना, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो अब इसी, अगर मान लो देखो आगे हम लोग क्रॉस कराते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब ये सात कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को लेगा तो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर परीक्षण,
ठीक है, और दो कैरेक्टर को लेगा। एक कैरेक्टर का मतलब क्या है, तने की लंबाई को ले लिया तो एक लंबा लेगा, एक बौना लेगा, ठीक है। पुष्प की स्थिति ले लिया तो एक एग्जाइल लेगा और टर्मिनल लेगा। लेकिन अगर दो कैरेक्टर लिया, क्या फली का आकार ले लिया और पुष्प की स्थिति, दो कैरेक्टर लिया तो क्या कहलाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और केवल एक कैरेक्टर लिया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और तीन कैरेक्टर एक साथ ले लिया तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कैसे, तीन कैरेक्टर कुछ भी ले लो, तने की लंबाई ले लिए, फली का आकार ले लिए, पुष्प की स्थिति लिए, ऐसा कोई भी तीन कैरेक्टर ले लिए तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर लिए तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और एक कैरेक्टर लिए तो मोनोहाइब्रिड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको पढ़ने के बाद हम लोग ब्लड ग्रुप, इसी से रिलेटेड है तो ब्लड ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर परीक्षण, इसका डेफिनेशन क्या है लिख लो। जब एक कैरेक्टर के साथ क्रॉसिंग का स्टडी किया जाए, जब एक लक्षण को लेके अध्ययन किया जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर परीक्षण कहलाता है। जब एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब एक लक्षण मतलब सात में से कोई एक, तो जैसे हम लोग ले रहे हैं, हर बुक में एक क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग भी उसी को लेते हैं। तने की लंबाई, ठीक है, क्या है प्रभावी में, और अप्रभावी में क्या है, और ठीक है। अब यहां टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, ये तरीका है रिप्रेजेंट का, ठीक है। और डॉग्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ठीक, इतना नोट करो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट, मतलब अभी हम दो पौधा लिए, एक लंबा एक बौना, तो ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आता है और इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, और दोनों यहाँ साथ में ऐसा लिखा, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कैसा पौधा बना, लंबा बौना कैसे बनेगा, एक बनेगा ना, दोनों के बीच का भी कैसे बने, प्रभावी अप्रभावी वर्ड पढ़े उसके अकॉर्डिंग सोचो। जब भी प्रभावी आएगा तो अप्रभावी का कोई रोल थोड़ी रहेगा, समझ में आया, ये क्या है लंबा पौधा, ठीक है। आपके घर में कौन प्रभावी, जिसके आने से आवाज ही नहीं निकलता घर में किसी का, तो प्रभावी का मतलब ये होता है ना, उसका फिर बाकी किसी का कोई औकात ही नहीं है उनके सामने, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको, कैरेक्टर लेंगे उसको दो दो बार लिखना है, जैसे गोल लेता तो क्या लिखते हैं आप लोग, डबल आर कैपिटल आर राउंड का, और उसका अप्रभावी क्या था, झुर्रीदार स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ क्या लिखते, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर इसको दोनों को कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या बनता वो, सभी गोल, ठीक है, इतना तक समझ में आया। उसके बाद अपने को इसी को क्या बोलते हैं, एफ वन जनरेशन, आपको एग्जाम में एफ वन जनरेशन पूछ सकता है, एफ वन जनरेशन बना लेंगे ना, हेलो एफ वन जनरेशन बना लेंगे ना, कैसे बनाना है, कैरेक्टर को लिखना है प्रभावी अप्रभावी, उसमें से कोई एक एक वर्ड को लेना है, बस आपस में यहाँ दोनों को गुणा करके लिख देना है, मल्टीप्लाई कर, वो क्या कहलाता है, एफ वन जनरेशन, ठीक है, एफ वन पीढ़ी, ठीक है।
आएगा ना, प्रभावी के साथ करेंगे तो अभी क्वेश्चन क्या आता है, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना ऐसा आएगा, तो शुद्ध वाला तो नहीं है ना, ये प्रयोग वाला लंबा तो नहीं है ना ये, हाँ तो शुद्ध बौना मतलब बौना ही बनता है, शुद्ध बौना नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, नियम देखो, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको प्रभावी अप्रभावी लिख लेना है, एक एक कैरेक्टर ले लेना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो आप लोग तो बीजगणित वाला मल्टीप्लाई जानते हो, एक्स वाई का गुणा करोगे तो एक्स वाई ही तो आएगा, वैसी टी और टी 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 आ गया, इसको क्या कहलाते हैं, एफ वन जनरेटर। उसके बाद इसका क्या कहलाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपराग, क्या कराना है, स्वपराग। सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इनको दो बार लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई आपस में ही कर देते हैं। आगे हम लोग स्व परागण पढ़ेंगे, स्व परागण मतलब क्या होता है, उसी पौधे का उसी पौधे के साथ क्रॉस कराना, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जैसे अभी शॉर्ट में समझ लो, ठीक है, ये देखो यहां एक मेल फ्लावर अलग गमले में है, ठीक है, और फीमेल फ्लावर अलग गमले है, इन दोनों के बीच पॉलिनेशन होगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, और एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों है, इनके बीच हो गए तो क्या, सेल्फ, समझ में आ गया, प्लस क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा और किसके अलावा हो सकता है, जो मधुमक्खी होते हैं, तितली होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, किसी और पौधे के मेल फ्लावर के मतलब जो सक करते हैं तो उनके पैर में चिपक जाता है परागकण, फिर आके किसी फीमेल फ्लावर में बैठ गए तो वहां से परागकण छोड़ दिया जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन में आएगा, ठीक है। तो सेल्फ मतलब ये और क्रॉस मतलब ये, ठीक है, आगे और डिटेल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये अपने सेल्फ पॉलिनेशन पे, ठीक है। इसके बाद आपको चेकर बोर्ड बनाना है, क्या बनाना है, या इसी को पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बनाना है आपको, चेकर बोर्ड, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, ठीक, एक बार टी और टी इधर लोग दो, एक बार इधर इधर, ठीक है, पहले एक बार इसको समझ लो फिर नोट करना, इसका गुणा इसके साथ करना है तो क्या आएगा, ठीक, इसका गुणा इसके साथ करना, इसका गुणा इसके साथ करो, इसका गुणा इसके साथ, ठीक, ये चेकर बोर्ड समझ में आ जाएगा। दो बार सेम टू सेम को लिखना है, फिर इसका गुणा ऊपर के, इसका गुणा ऊपर के साथ, ठीक है, बनाओ इतने को, सही बात, स्कूल टाइम में ऐसा पढ़ाए थे तो आईएएस का एग्जाम भी में कह, यही तो सिलेबस है, नवीं और दसवीं, नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, देखो नहीं वो तो शुरू से है, वही तो पढ़ाया नहीं गया होगा, वो तक देखो टेंथ ऐसा है कि ना सबको थोड़ा थोड़ा सबको डाल दिया, इसलिए तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि ज़्यादा मत पढ़ा दो, क्योंकि आप दसवीं का बुक देखेंगे ग्यारहवीं और बारहवीं का सब डाल दिया गया, हाँ, लेकिन भाई हम मैं वो डेफिनेशन को पढ़ूंगा आपको समझ में नहीं आएगा,
तो थोड़ा सा डीप जाके समझाना पड़ेगा ना। अब एनसीईआरटी का बुक निकालो, कुछ समझ ही नहीं आए, दसवीं का ना, ग्यारहवीं को पढ़ोगे तो डिटेल दिया है, लेकिन दसवीं में क्या है, बेस है करके आगे आप ग्यारहवीं में क्या सब्जेक्ट लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, बायो लेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया। अब आपका सिलेबस भी है नाइन्थ और टेंथ इस तरह का, तो अब भाई मैं आपको थोड़ा सा अंदर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं एग्जाम दिया था, मतलब देखा था, पढ़ाया था, क्या आया था, लेब प्रयोगशाला सहायक विज्ञान ऐसा कुछ करके आया था ना पोस्ट, उसका क्वेश्चन इतना टफ आया था, इसलिए मैं इस एग्जाम के लिए भी आपको एकदम टफ भी पढ़ा रहा हूँ और इजी भी पढ़ा रहा हूँ। इजी वाला काम आपको करना है क्या, वो लूसेंट वाला याद करना है आपको, ठीक है, टफ वाला मैं पढ़ाऊंगा जो जहाँ से न्यूमेरिकल आता। ये देखो बायो में भी न्यूमेरिकल आएगा आपको, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आएगा और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आएगा। तो पहले मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पढ़ाते जाओ, फिर थ्योरी वाला एक बार डील कर लेंगे, प्लस वन लाइनर वाला आपको याद कर। जैसे आज हमको क्या मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ आप लोग सात कैरेक्टर लिखे हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ठीक है, यही है शुद्ध लंबा, और ये क्या है, ये भी लंबा है लेकिन प्योर नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड बोल सकते हैं या अशुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये भी मिक्स्ड वाला है, और ये है, और अब इसका अनुपात निकालेंगे तो कैसे आएगा, टी 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 टी, ये कितना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, एफ वन जनरेशन, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लास्ट में अनुपात क्या आता है, वन टू वन, वन क्या है, शुद्ध लंबा, फिर मिक्स्ड वाला लंबा, फिर बौना। अब इसका परसेंट भी निकालेंगे, अभी इतना नोट करो, यहाँ इसको मिक्स्ड के अलावा हिंदी वाले लिखेंगे तो संकर, मतलब हाइब्रिड वाला, ठीक है, इधर देखो अब क्वेश्चन आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप, जीन टाइप ये है, वन टू वन, ये जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप जो लक्षण आपको बाहर से दिखता है, ठीक है, जो लक्षण आपको बाहर से दिखता है, तो लंबा बौना तो दिखेगा ना आपको, बैगनी सफेद तो दिखेगा ना, तो उसको किस में लेते हैं, फिनोटाइप, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा, लंबा कितना तीन और बौना कितना एक, ये हमको बाहर से दिखा ना फिनोटाइप, तो जो कैरेक्टर आपको बाहर से दिख जाए वो क्या है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप, जीन मतलब हमको कहां से दिखेगा, उसको तो पूरा आप लोग डीएनए पॉलीमराइजेशन ऐसा वर्ड सुने होंगे, तो ये सब करना पड़ेगा, रिसर्च का टॉपिक हो जाएगा फिर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक्स, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हो जाएगा, तो उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग इसी स्क्वायर से बता सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, शुद्ध लंबा कितना, ठीक है, और बौना कितना,
ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? लंबा लंबा बौना तो मिल गया, शुद्ध लंबा कितना, बौना कितना, और क्या पूछ सकता है? संकर लंबा कितना, बताओ शुद्ध लंबा कितना, एक, बौना कितना, और संकर वाला लंबा दो, ये शुद्ध लंबा कौन है, बौना और ये वाला, ठीक है, क्लियर है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा लेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको बायो में एमएससी करना पड़ेगा, बॉटनी में, ठीक है, आप लोग भी बैगनी पुष्प और सफेद पुष्प के साथ क्रॉस करा के कुछ नया बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग का होमवर्क, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि वो फादर थे, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ गार्डन में जो मटर था उस पर ऐसी काम करते रहते थे, अचानक ये खोज हो गया उनसे, ठीक है, कहाँ के थे, ये सब थोड़ा सा एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं, ठीक है, मरने के बाद मिला है कि उनके रहते मिला है, ये सब एक कोई भी YouTube में देखोगे मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, एक बार कॉपी में देख लो, कहीं पर डाउट है तो बताओ, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। एक कॉपी में पूरा प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर अगला क्वेश्चन में आपको करना है। पहले क्या करना है, प्रभावी अप्रभावी लेना है, उसमें से एक एक वर्ड को ले लेना है, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये क्या बन गया, पेरेंट से संतति मिल गया, उसके बाद इसको ये एफ वन जनरेशन हो गया, उसके बाद सेम टू सेम का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर आप चेकर बोर्ड बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियो लिखेंगे, फिर जीनोटाइप बताएंगे, फिर फिनोटाइप बताएंगे, हो गया, क्लियर है? और कोई नोट करके मिटा दो, चलो आप प्रभावी में गोल बीज ले लो, राउंड सीट का करा दो, किसके साथ होगा, चलो इसका आप मेरे को जीनोटाइप और फिनोटाइप बताओ, प्रभावी कैरेक्टर बताओ, अप्रभावी कैरेक्टर बताओ, सेम टू सेम करना है आप, राउंड के लिए क्या लेंगे आप, कैपिटल आर, कैपिटल आर और इधर, उसके बाद इसमें से क्या लेंगे और इसमें से एक कैरेक्टर, ठीक है, फिर इन दोनों का क्या कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बनेगा, ये क्या हो गया आपका, इतना किए, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन, वो कैसे होगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ, ठीक है, उसके बाद ठीक क्या करेंगे, इसका चेकर बोर्ड, ये यहां क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, ठीक, फिर ठीक है जीनोटाइप क्या आएगा इसका, 1:1, ठीक है, और फिनोटाइप, और मतलब गोल, संकर वाला गोल,
और ये युगीदार। ओके, फिनोटाइप बोला है तो इसको लिखेंगे क्या, गोल कितने गोल। हर बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज फिक्स है, आपको क्या पता चला इसे दो क्वेश्चन से कि फिनोटाइप और जीनोटाइप फिक्स है, क्या वन टू वन ही आएगा और थ्री रेस टू वन ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन यही बनेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप बताओ। ये देखो ना कितने तो गोल बने हैं, एक गोल, दो गोल, तीन गोल। मैं क्या बोला, फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर आपको बाहर से दिखता है, ठीक है, और ये आपको नहीं दिखेगा, मिक्स वाला कैसे दिखेगा, वो तो आपको थोड़ा सा गोल ही है, सुकड़ा है, ऐसे गोल ही मान लेता हूँ ऐसे ही बोलोगे ना, तो ये फिक्स है आपका, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई। और क्वेश्चन कैसे देते, कुछ भी दो कैरेक्टर दे देगा, ये एक से एक्स दे दिया बड़ा वाला, स्मॉल एक्स दे दिया, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही आएगा वन टू वन थ्री वन। तो ये क्वेश्चन बनता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। आज के लिए यही तक, कल डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आएगा नहीं बायो, ठीक है। मेंडल के साथ कैरेक्टर याद हो गए, कौन कौन सा है बताओ प्रभावी में, ये नोट करे कोई, ठीक है, लंबा, हाँ हाँ, क्या कलर, कलर दो तो है ना, बीच का रंग है और फूल का रंग है और, ठीक है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सात कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर प्रभावी है बोल दिया गा, तो आपको सब मिक्स हो जाएगा, झुगीदार था कि गोल था, गोल झुगीदार था, अब तक टफ क्वेश्चन कैसे आएगा, दो दो कैरेक्टर के साथ बोल देगा गोल झुगीदार ऐसा करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आगे जाके अब इसका क्वेश्चन बनाना आप लोग।